सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगाई गई रोक बुधवार तक जारी रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन ना करने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई होने के बाद ही निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी निकाय चुनाव में मामला फंसता नजर आ रहा है। निकाय चुनाव की तारीखों की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के बाद ही जारी करेगा। निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा 15 दिसंबर के बाद की जा सकती है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग को नगर विकास विभाग की ओर से निकायों के वार्ड, महापौर और निकाय अध्यक्षों का आरक्षण निर्धारण का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक नगर विकास विभाग की ओर से 14 दिसंबर तक आरक्षण का निर्धारण कर रिपोर्ट आयोग को दी जाएगी और उसके बाद आयोग 2-3 चरणों में चुनाव कराने को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चर्चा करेगा ताकि चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो सके। इस तरह आयोग को चुनाव कार्यक्रम जारी करने में 2-3 दिन का समय लग सकता है। गौरतलब है कि आरक्षण निर्धारण होने के बाद आयोग को चुनाव कार्यक्रम तैयार करने और उस पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। चुनाव संपन्न होने में भी 30-35 दिन का समय चाहिए। ऐसे में चुनाव की घोषणा 15 दिसंबर के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।